हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ दिव्यांशु सेंगर हमने जीएसटी ट्रांजिशनल प्रोविजन कंप्लीट किया है अब जीएसटी एस टी फॉर्मेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं हमने टैक्स इन डिस्कस कर लिया था बिल ऑफ सप्लाई डिस्कस कर लिया था रिसीट वाउचर डिस्कस किया था रिफंड वाउचर डिस्कस किया था आज हम पेमेंट वाउचर डिस्कस करेंगे पेमेंट वाउचर क्या है जब भी हम पेमेंट रिसीव करेंगे तब हमें कोई वाउचर इशू करना है नहीं जब हम किसी को पेमेंट देंगे तब हमें वाउचर इशू करना है ये तो उल्टी बात हो गई पेमेंट के टाइम पे तो हमें कुछ रिसीट मिलती है कि हमने पेमेंट की मिलती है बिल्कुल सही बात है लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक बार डिस्कस किया था कुछ रिवर्स चार्ज ऐसी चीज एक सेशन हमने किया था रिवर्स चार्ज पर तो रिवर्स चार्ज के, के केस में क्या होगा रिवर्स चार्ज के, के केस में जो रिसीवर है जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो जीएसटी जमा कराएगा कर गवर्नमेंट को उसकी लाइबिलिटी होगी जीएसटी के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर है उसकी लाइबिलिटी नहीं होगी तो इस केस में एक टैक्स इन्वाइस के फॉर्मेट जैसा कुछ इशू भी तो करना होगा जब टैक्स जमा कराना है तो तो इस केस में पेमेंट वाउचर इशू करेगा और उसमें टैक्स की सारी डिटेल्स फीड करेगा तो रिवर्स चार्ज के सेक्शन नाइन थ्री एंड नाइन फोर के बेसिस पर जो स्पेसिफ़िक कैटेगरीज दी हैं गवर्नमेंट नोटिफाई की है उस पर हमें पेमेंट वाउचर इशू करना है या फिर अगर कोई सर्विस या सप्लाई अनरजिस्टर्ड डीलर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर इशू करना है चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो चलिए आज का टॉपिक आज फिर स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं पूरे आपके दस कंपलसरी पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जो रूल्स के बेसिस पे इसमें हमें कंप्लीट करने हैं चलिए ये फॉर्मेट है पेमेंट वाउचर का जो मैंने बनाया है फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है आप अपने बेसिस पर चेंज कर सकते हैं लेकिन जो इसमें ग्रीन हाईलाइटेड ऑप्शनस हैं वो आपको कंपलसरी फिल करने हैं जो स्काई ब्लू है वो मैं बताऊंगा कि उसका एक रीज़न होगा उस टाइम पर हमें वो डिटेल्स भी चाहिए उसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं चाहिए चलिए डिटेल्स क्या क्या हमें फीड करनी है हम डिस्कस करते हैं एक तो नेम चाहिए एक एड्रेस चाहिए अब ये नेम एंड एड्रेस किसका चाहिए सर्विस प्रोवाइडर का नहीं सर्विस प्रोवाइडर का नहीं चाहिए जो सर्विस रिसीव कर रहा है जो सप्लाई रिसीव कर रहा है उसकी डिटेल्स फीड होंगी मैंने पहले ही बताया था ये पेमेंट वाउचर है जो पेमेंट करेगा जिसने सप्लाई रिसीव की है जो पेमेंट करेगा वो ये इशू वाउचर करेगा रिवर्स चार्ज के केस में ठीक है चलिए ये डिटेल्स समझ में आ गई अब आगे चलते हैं और क्या डिटेल्स फीड करनी है अब जो सर्विस रिसीवर है या सप्लाई रिसीवर है उसकी कुछ डिटेल्स फीड करनी है जैसे जी एस टी आई एन नंबर फीड करना है फिफ्टीन डिजिट नंबर होता है पेमेंट वाउचर नंबर फीड करना है ये कितने डिजिट का होगा सिक्सटीन करेक्टर्स का सेम कॉन्सेप्ट है जो हमारे टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई में भी था पेमेंट वाउचर डेट फीड करेगा डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट्स में एंड देन सप्लायर की डिटेल्स फीड करनी है सप्लायर नेम सप्लायर एड्रेस अगर जी एस टी आई एन अगर वो सप्लायर रजिस्टर्ड है क्योंकि अभी मैंने बताया था अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में भी रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो उस पर जी एस टी आई एन कहाँ से आया नहीं होगा ना तो उस केस में कोई ज़रूरत नहीं है ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर ये सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी चाहिए स्टेट नेम भी चाहिए स्टेट कोड भी चाहिए ठीक है इतने डिटेल्स कंप्लीट है अब गुड्स के बारे में जान लेते हैं गुड्स में क्या क्या डिटेल भरनी है सीरियल नंबर ऑप्शनल है आपकी चॉइस है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डालना है अमाउंट कितना पे कर रहे हैं उस पर सीजीएसटी का रेट कितना एप्लीकेबल है उसका अमाउंट कितना बनता है सेम चीज़ एसजीएसटी का रेट कितना एप्लीकेबल है अमाउंट कितना बनेगा यू का रेट या अमाउंट आई का रेट या अमाउंट सेस का रेट एंड अमाउंट इसके बाद टोटल अमाउंट कितना बनता है टोटल अमाउंट कैसे बनेगा अमाउंट पेड प्लस सी जी एस टी अमाउंट प्लस एस टी जी एस टी या फिर यू टी जी एस टी जो भी अप्लीकेबल है प्लस आई जी एस टी प्लस सेस ये टोटल अमाउंट हो गया इसके बाद डिटेल्स प्रोपराइटर की या कंपनी की और ऑथोराइज सिग्नेटरी साइन कर देगा कैसे साइन करेगा या तो मैनुअल साइन करेगा या फिर डिजिटली साइन कर सकता है सिंपल वाउचर था आई थिंक कंप्लीट आपको समझ में आया होगा अगेन रिपीट कर देता हूँ ये केवल रिवर्स चार्ज के, के केस में एप्लीकेबल है जब जो पेमेंट दे रहा है या फिर दूसरे तरीके से कहें जो सप्लाई रिसीव कर रहा है वो पेमेंट वाउचर इशू करेगा पेमेंट के टाइम पर किसे नोटिफाइड कैटेगरीज को या फिर अनरजिस्टर्ड सप्लायर को आई थिंक ये समझ में आया होगा अगर आपको मेरी और भी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर कोई क्वेरी क्लैरिफिकेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं थैंक्स लॉट